हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आप सबसे करने वाला हूं स्पेशली उन बच्चों से जिनका जुलाई में सी का डेट आ गया है पंद्रह तारीख हो सकता है सोलह हो सकता है अट्ठारह हो सकता है बीस हो सकता है आप सब बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना वीडियो बहुत काम की है आप लोगों के लिए कल जैसे ही सबको डेट्स का पता चला आपने बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वो सारे के सारे बच्चे में भी कल रात को सोए भी ना हो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए बहुत सारी ईमेल्स आई कि सर ये इनजस्टिस है हमारे साथ कि हमें टाइम बहुत कम दिया गया है इनजस्टिस तो बिल्कुल कहूंगा है आपके साथ क्योंकि क्लास मेरे हिसाब से डेट हर किसी की क्लास सेम हो या थोड़ा बहुत का गैप हो तो गैप जो है वो लगभग एक महीना पांच दिन का है जिसका पंद्रह जुलाई को किसी का बीस अगस्त को है तो ऑब्वियस है क्लास जो बीस अगस्त तक जाएगा बच्चा वो कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर लेगा पंद्रह अगस्त को सोलह जुलाई सोलह जुलाई को जो बच्चे पेपर दे के आएंगे कुछ उनसे वो डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा लेवल क्या है पैटर्न क्या है तो शायद 20 तारीख को जो लेट बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको एक एडवांटेज मिलेगा मैं मानता हूं इस बात को मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं मुझे भी यही शौक

हमारे साथ पॉसिबल है कि हम तीन के तीन डोमेन को कवर कर लें यस yes. बिल्कुल पॉसिबल है चाहो तो संभव है नहीं चाहो तो असंभव है तो तुम्हें करना क्या है तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है अगर तुम क्लास इस काम को कर सको थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सको डेफिनेटली क्लास तुम सारा कुछ रिवाइज कर लोगे अल्टीमेटली हमें पचास में से चालीस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो यार कोई भी फोर्टी क्वेश्चन जो हमें आते हो हमें सिर्फ उनसे मतलब है अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें बहुत दिक्कत दे रहा है तैयारी करने में उन चीजों को साइड में हटा के बाकी सारी चीजों की प्रिपरेशन करते चलो दो दिन बहुत है याद करो तुमने क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में भी जो जम के पढ़ाई करी थी वो लास्ट टू डेज में या लास्ट वन नाइट में की थी करी थी कि नहीं करी थी आप मुझे बताओ लास्ट एक रात पहले भी बच्चों ने जी जान ला के मेहनत करी थी अभी तुम्हारे दिमाग में अपने बारे में नहीं उसका बीस को आ गया उसका पंद्रह को गया मेरी किस्मत खराब है हाय मैं मर गया मैंने क्या कर्म किए थे मेरी नसीब फूटी है यार इस तरीके से टेंशन मत लो ऐसा नहीं है कि जिनका बीस को आ गया है वही बच्चे निकाल पाएंगे आप भी निकाल सकते हो एन का एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है इन जुलाई में मेजर बच्चों का ये पे ये डेट है और अगस्त में डेट है तो एक नॉर्मल प्रोसेस जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन इस बात को एन को भी पता है कि जिनका बच्चे जो बच्चे जुलाई में दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डेट पे दे रहे हैं इनका सेट अलग आएगा अभी मत सोचना कि जो क्वेश्चन इनके में आया सर वही क्वेश्चन आएगा आधा अधूरा क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है सो आंसर इज नो आंसर क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट रहेगा इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर सेम आ गया तो बात अलग है बट मेजर क्लास आपका क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा क्योंकि okay, इनका अलग है और इन लोगों का जो है क्लास ये भी पूरा का पूरा डिफरेंट आएगा अब जितने भी सेट बने जिनको आप डेट सब वो तो सेट मान लो ए बी सी डी या ई एफ जी एच जो भी मान लो तो इन सब के बेसिस पे नॉर्मलाइज किया जाएगा अगर इसमें से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसमें से भी उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे मतलब एन का पूरा प्रोसेस अब इतना डीपली मुझे नहीं पता है कि मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि एन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करता है किसी शिफ्ट में अगर टफ पेपर आ गया अब टफ किसको कहेंगे टफ किसको कहेंगे सिलेक्शन बच्चों का कम हो रहा है नंबर कम आ रहे हैं तो इनका टफ था पेपर इसका मतलब जाहिर सी बात है टफ था तो किसी भी तरीके से एन टी ए क्लास इसको उठाने की कोशिश करता है तो अगर आप लोग अपनी मेहनत से अभी नहीं दोगे अपनी मेहनत से प्रिपरेशन नहीं करोगे इनको देख देख के परेशान हो गए तो यार तुम्हारा क्या पता है एन टी ए बाद में नॉर्मलाइज करे करेगा तो पक्की बात है और तुम्हें क्लास बाद में तुम्हारा ना हो तुम्हारे दोस्त का हो जाए इसी जुलाई वाले का तो यार मेरा ये मानना है बिल्कुल क्लास अपने बिल्कुल भाई बंधु की तरह बात कर रहा हूँ क्लास आपसे बिल्कुल कि यार तुम लोग अपनी मेहनत करो एन टी ए संभाल लेगा एन टी को भी पता है कि यार इनके साथ इनजस्टिस है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरा का पूरा आप सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा एन टी नॉर्मलाइज करके क्लास तुम्हें भी ऊपर तक ले जाएगा आप लिफ्ट करेगा तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद मैंने कईयों का एन टी में देखा है क्लास कि मान लो अगर सौ में से तुम्हारे अस्सी आ रहे थे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद नाइन्टी आ सकता है एट्टी फाइव आ सकता है तुम्हें नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि क्लास तुम्हारा तुम्हारे साथ तैयारी करने में दिक्कत है एक महीने का टाइम तो बहुत होता है इनको एक महीने का इनको दो महीने का इस इनजस्टिस को क्लास एन एनटीए देख लेगा तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो अपनी प्रिपरेशन करो राइट दो ऑप्शन है सर देखो अब हम रो रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया ये हो गया वो हो गया एन को मेल कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं सर को बोल रहे हैं इनको बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं ये करो पोस्टपोन करो ट्विटर पे हल्ला काटो कुछ भी आप ये सब सोच रहे हो स्टेप वन है इसमें सिर्फ आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो अपना क्योंकि जिनको पढ़ना है जिनको तैयारी करनी है वो तो कर रहे हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आप बचना चाह रहे हो कि यार पेपर नहीं दूंगा ये है वो दस बहाने बना रहे हो यार देखो अगर पेपर नहीं दोगे तो सीधा फेल हो अगर पेपर दोगे तो क्या पता तुम्हारा रैंक आ जाए क्या पता क्लास तुम्हारे मेरिट में नाम आ जाए कोशिश करोगे सर्टिफिकेट रहेगा डिग्री रहेगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास हाँ, बट हाँ, मेरे, मेरे अपना बेस्ट दिया ये चीज तुम कभी नहीं मत, हिम्मत हार जाओगे तो प्लीज यार कोई बच्चा कई सारे बच्चों ने बोला सर ये है छोड़ दें मैंने कहा नहीं बेटा आप अटेम्प्ट करो एंटी संभाल लेगा पक्का भरोसा रखो नहीं तो मैं बोलता ना कि यार सीबीएससी में नहीं होता ऐसा सीबीएससी में नहीं होता एनटी -E कर लेगा एनटीए -E में होता है इसमें होता है अब सेकंड ऑप्शन क्या है बिना कुछ सोचे समझे दो दिन जम के तैयारी करो अपना बेस्ट दो जल्दी निपट जाओगे करके जिन बच्चों का बीस को पेपर है वो आज से जी जान ला मेहनत करेंगे नहीं वो भी अट्ठारह अगस्त तक मजे ही लेंगे लास्ट के दो दिन ही मेहनत करेंगे ट्रूथ है ये बिल्कुल ये कड़वा सच है बट सच है कुछ बच्चे हालांकि ऐसे नहीं होंगे बट मेजर बच्चे अरे अभी बहुत टाइम है स्टेशन के घर स्टेशन के आसपास जिनका घर रहता है ना ट्रेन उन्हीं की छूटती है ध्यान रखना जो स्टेशन के आसपास रहते हैं उन्हीं की ट्रेन छूटती है दूर वाला तो पहले से आता है आके बैठेगा उसका पास में ही तो है कर लूंगा कर लो लू, अरे बहुत टाइम है ये बच्चे क्या अरे अभी तो बहुत टाइम है चिल करो ऐसे करते 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 टाइम कर निकल जाता है तुमको एक महीना पहले पता था तुम्हारा पेपर भी जो है पंद्रह जुलाई के आसपास होगा बट तुम लोगों ने भी लास्ट के दो दिन ही पढ़ना है तो यार ऐसा मत सोचो कि यार इनको प्रिवलेज मिल गया इनको एडवांटेज नहीं आप दो दिन जी जान ला के मेहनत करो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर निकल जाएगा इसकी मेरी गारंटी अगर तुम मेहनत करोगे हर चीज़ जैसा बता रहा हूँ इस वीडियो में अच्छे से पालन करोगे तो निकल जाएगा अब तुम्हें कैसे फिनिश करना है काम की बात करते हैं दो दिन में कैसे खत्म करना है सबसे पहले तुम बहुत कुछ हासिल करने का मत सोचो ये भी कर लेकर नहीं जो करो अच्छे से करो कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का क्लियर होना चाहिए अकाउंट्स की बात करूं तो जो थ्योरी है उसका वन शॉट पूरा का पूरा देख लेना जो कवर हो गया उसको मत देखो जो कवर नहीं हुआ है मुझे नहीं नहीं आता मैं 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 से 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 हो जाएगा तुम्हें तुम्हें दिखाता दिखाता ये ये अब कुछ जो मैंने आज से नहीं कई दिन अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम पे दे भी रखा है बट लास्ट के एक दिन पहले सब कुछ करोगे तो क्या होगा यही प्रॉब्लम आएगी एंजाइटी टेंशन हड़बड़ी घबराहट राइट सीईटी का डोमेन का दस वीडियो है क्लास अगर आप दस वीडियो देख लोगे तो बिजनेस स्टडीज का पूरा खत्म दस वीडियो अगर मैं बात करू ऑल थ्योरी पंद्रह वीडियो छोटी छोटी वीडियो है हार्डली दो घंटे लगेंगे आपको पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी दो ढाई घंटे के अंदर ठीक है पूरा का पूरा थ्योरी मेजर क्वेश्चन छोटे आएंगे थियरटिकल क्वेश्चन होंगे जहां पढ़ के आपको आंसर देना है क्योंकि पैतालीस मिनट के अंदर आपको चालीस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पचास को पढ़ के तो ये बड़ा मुश्किल काम है तो इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी डेवलप होगा डोंट वरी हार्ड आया सबके लिए आएगा ईजी आया सबके लिए ईजी आएगा ईजी आया और हार्ड किसी का आया तो उसका नॉर्मलाइजेशन होकर बराबर पे ले आएगी एंटी आप उसकी चिंता मत करो इतना मेरे पे आप बिलीव रखो क्लास कि मैं स्ट्रांगली इस चीज से एडमार करता हूं कि एंटी काम करती है राइट इसके अलावा सी ई टी इकोनॉमिक्स में बारह वीडियो अकाउंट्स में बीस वीडियो तो जो जो चैप्टर नहीं आते सिर्फ उन उनका देख लेना ये वन शॉट इसके अंदर सारा का सारा कवर है इतना ही नहीं है क्लास यहाँ पे एक प्लेलिस्ट और है सी यू टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू एमसी क्यू सीरीज नौ वीडियोज है इसके अंदर टर्म टू के सारे के सारे एमसीक्यू वन टर्म वन के भी कुछ एमसीक्यूज पड़े हुए हैं ये सारी की सारी चीजें आपको

कल तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल चिल कर रहे थे एक दिन बाद ही अचानक से एकदम सर पंद्रह डेट आ गया हमें पढ़ना है हमें कंटेंट दो यार सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है क्या नहीं है मुझे बता दो सब कंटेंट है पूरा का पूरा माइक्रो का सिलेबस कराया कहीं नहीं है यार, सब कुछ मैंने कराया पूरा का पूरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आएगा सब कुछ आएगा जो नहीं है राइट और ये तुम क्लास एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो वहां पर क्लास मेरा प्रीमियम मॉक टेस्ट आएगा नाइन मॉक टेस्ट जहां पे अकाउंट्स के तीन ईगो के तीन बी के तीन इससे क्लास आप प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देना है उसका कोर्स क्लास हाल फिलहाल में ही लॉन्च हो जाएगा एक दिन के अंदर जैसे ये पूरा हो जाएगा मतलब आज रात में तो मॉर्निंग तक वहां से क्लास आप इसे एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हो और धीरे धीरे मैं कोर्स बना के उसके अंदर क्लास कॉन्टेंट डालना स्टार्ट कर दूंगा जिससे आपकी तो ये यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि यूट्यूब कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर के कैसे टेस्ट दोगे इम्पॉसिबल यहां तो मैं काम करूंगा ना मैं देख क्वेश्चन में कराऊंगा ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा बट कंप्यूटर पे कैसे बैठ के पेपर देना है इस चीज की प्रैक्टिस के लिए क्लास अकाउंट्स के तीन इको के तीन बी के तीन मॉक टेस्ट लगा सकते हो इसके अंदर क्लास ओवरऑल सिलेबस आपका पूरा का पूरा, पूरा रिवाइज हो जाएगा तो ऐप डाउनलोड कर लेना क्लास जैसे वो कोर्स लाइव हो जाएगा आपको दिख जाएगा ऐप पे ओके तो यानी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीयू ये तुम्हें करना है कुछ गलतियां जो तुम अभी कर रहे हो मेजोरिटी बच्चे कर रहे हैं क्लास स्मार्टफोन हाथ में आ गया मेजोरिटी बच्चे गलती कर रहे हैं क्या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या होगा क्या कर कुछ नहीं रहे वो बस सुबह शाम बैठ के सोच रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में बातें कर रहे हैं पढ़ाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी यार ऐसा ना करो काम करो थिंक लेस एक्ट मोर खुद पे बिलीव रखो यार ट्वेल्थ का ही सिलेबस है तो अटेम्प्ट करो कुछ तो करके आएंगे कुछ तो करके आएंगे कोशिश तो करो हार मत मानो अपना बेस्ट दो कि यार मैं इन दो दिन में जी जान लगा के जैसे ट्वेल्थ में अकाउंट्स पढ़ा था अकाउंट्स का पेपर कितना अच्छा आया था उसी तरीके से मेरा पेपर अच्छा जाएगा पेपर कैसा जाता है डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत कैसी है सिंपल सी बात है पेपर आसान नहीं आता तुम्हारी मेहनत उसे आसान बना देती है तुम्हारी प्रैक्टिस उसे आसान बना देती है तुमने कितनी पढ़ाई ट्वेल्थ में करी थी और कितनी अब कर रहे हो आप खुद कंपेरिजन देख लो हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो पंद्रह लाख बच्चों को कोम्पीट करोगे और तैयारी क्या कर रहे हो आप दिन भर में नथिंग बस सोच सोच के टाइम कर रहे हो ऐसा मत करो टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो प्रैक्टिस करो रिवाइज करो क्लास सारे के सारे टफ पॉइंट्स को लिख लो जो टफ है जो मुश्किल है लिख लो उनको पॉइंट्स को लिख लो डाटा वगैरह जो भी है उसे लिख लो प्लीज़ जो बहुत ज़्यादा टफ पॉइंट्स है बहुत टाइम टेकिंग है आप छोड़ दो उसे वो वैसे भी नहीं आने वाला राइट इवन लास्ट के टू डेज में आप क्रैक कर सकते हो बिल्कुल क्रैक कर सकते हो प्लीज क्विट करने की मत सोचो एक्सक्यूजेस मत दो, दो दिन जी जान लगा के मेहनत कर लो क्लास आप फ्री हो जाओगे यही क्लास क्लास सलाह दूंगा कि लास्ट टाइम तक क्लास हिम्मत मत हारना आज से काम करना स्टार्ट करो थिंकिंग को कम करो कॉन्सेप्ट फोकस करो क्लास पैनिक करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ प्रैक्टिस करो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक जो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस था या नई नई चीजें मत सीखो नई नई चीज को इन टू डेज के अंदर राइट right? तो ये है क्लास सारी की सारी बातें क्लास मैं आपको यही सब कहना चाहता था कि लास्ट टाइम है लेकिन होप जो है वो अपना बना के रखो हिम्मत मत हारो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा लास्ट टू डेज़ में हो सकता है सच कहूँ तो बिल्कुल हो सकता है अगर आप चाह लो जहाँ चाह है वहाँ रहा है कोशिश करो अगर देखो यार अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो, तो होगा ही नहीं बट मैं कोशिश करूंगा तो मुझे कल को ये दुख नहीं रहेगा कि यार अगर मैं कर लेता तो काश हो जाता ये बहुत बड़ा गल्ट होता है कि काश मैं उस टाइम स्टेप ले लेता अभी क्या करोगे आप अगर नहीं करोगे तो टाइम पास ही तो करोगे आप और क्या कर लोगे उस टाइम पर कुछ नहीं टाइम मजे लोगे अपने दिमाग से फ्री हो जाओगे चलो यार किसी और को ब्लेम कर दोगे अरे चलो यार इसने नहीं कराया एन ने नहीं हमारे साथ गलत किया ये हुआ वो हुआ कुछ ब्लेम करके खुद को अंदर से सेटिस्फाई कर दोगे किसी ना किसी बहाने से किसी के सर पे डाल दोगे अपने अपने फेलियर का टैग किसी और को दे दोगे अब, अब मन से खुश हो जाओगे चलो यार मेरी गलती नहीं है भाई इनकी गलती इनकी गलती जिंदगी में क्लास ध्यान रखना अपनी कामयाबी का श्रेय हमेशा दूसरे को देना और अपने फेलियर का श्रेय जो है वो खुद को देना एंटी ने क्या किया क्या नहीं किया जस्टिस इन जस्टिस आई डोंट नो मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है कि जिनका बच्चा जिनका पेपर पंद्रह जुलाई को है उन्हें भी एक महीने का टाइम पहले मिला था उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था और ये कड़वा सच्चे से एक्सेप्ट करने की जरूरत है इसे एक्सेप्ट करो और दो दिन मेहनत करो जीजा ला के कि दो दिन में भी हो सकता है यस वी कैन डू तब जाके दो दिन में जरूर हो जाएगा देखो करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा अपनी तरफ से जो कर सकता था क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा मॉक टेस्ट ऐप पे आ रहा है हर चीज़ अवेलेबल है जाओ इंटरनेट पे जाओ साइबर कैफे पे जाओ बैठो वहां पे एक घंटा पैंतालीस मिनट बैठ के प्रैक्टिस करो क्वेश्चन बनाओ घर आके कर को देखो उनसे बनाओ कहीं पढ़ रहे हो तो उनसे क्लास आप पढ़ो मेजोरिटी बच्चे कहीं कही ना कहीं पढ़ रहे हैं तो क्लास आप जो भी आपके पास कंटेंट है उसको देखो बनाओ दो दिन दिन रात एक कर दो क्लास मैं भी करूंगा आपके साथ आप भी करो हम कोशिश कर सकते हैं बस ट्राई कर सकते हैं बाकी इच्छा ऊपर वाले की है अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो रंग जरूर लेके आएगी ठीक है पॉजिटिव रहो खुद पे भरोसा रखो क्लास हो जाएगा ये कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है ज़िंदगी में आपको ऐसे बहुत सारे और सरप्राइजेस मिलेंगे आप दो दिन जी जान लगा लो मान लो कि किसी और का मत सोचो उसका भी इसको है ये उसका वो निकल जाएगा यार निकलने दो ना उसे उसे बिलिनेर बनने दो अच्छी बात है तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से किसी का आ गया किसी का पीछा कोई नहीं हाँ ये इनजस्टिस है क्योंकि कि किसी को ज़्यादा टाइम किसी को कम टाइम मिला वो बहुत बड़ा गैप तो एन इसका क्लास नॉर्मलाइजेशन कर देगी अब एक ही दिन में सारे बच्चों का पेपर भी तो एक साथ नहीं हो सकता है एन टी क्यों चाहेगा खुद कि आपका पेपर अलग अलग डेट पर कराने के लिए इतने सारे कॉम्बिनेशनस हैं इतने सारे सब्जेक्ट हैं पंद्रह लाख बच्चे हैं तो सबका पूरा का पूरा डेट एनालिसिस किया जाता है आपने कौन सी स्लॉट भरा है उस पर डिपेंड करता है और बहुत सब चीज़ों पर डिपेंड करता है इसको देखते ही क्लास ये इस तरीके से स्टेप लिया गया होगा जहाँ तक यही है तो प्लीज़ कमियाँ ना ढूंढो सिस्टम में सिस्टम के अकॉर्डिंग आप मेहनत करो अच्छे से एक बार अच्छे से निकल जाओ क्लास फिर आपको ये चीजें कुछ भी लगेंगी नहीं फिर आपको लगेगा सब कुछ सिंपल था चलो गॉड ब्लेस यू टेक केयर मेहनत करते रहो अपना ख्याल रखो कोई दिक्कत परेशानी में जो कॉमेंट सेक्शन में बताओ बाकी जो जो चीज डिलेटेड है उनकी वीडियोज़ आ रही हैं और आगे भी आती चली जाएंगी अपना ख्याल रखना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में